हाय गाइस दिस इज़ विनीत हियर वेलकम टू माय चैनल तो एक दिन पहले मैंने कौनस का स्ट्रैटेजी बनाया था जो आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने रेफ़र नहीं किया हो तो दैट इज़ स्पेशली हेल्पफुल फॉर बिगनर्स तो अभी मैं इंग्लिश का स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके लिए तो इंग्लिश का बेसिकली मैं सब चीज़ कवर करने वाला हूँ आप कैसे कर सकते हैं और प्री में आप कैसे ट्वेंटी के अराउंड ट्वेंटी प्लस भी स्कोर कर सकते हैं थर्टी मार्क्स में बैंक के हर प्री में इंग्लिश और मेंस में इंग्लिश होता ही है जितने भी एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स में भी इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है जैसे कि एस एस हुआ उसमें इस बार आप अगर देखेंगे तो थ्री में वन मार्क्स का इंग्लिश है तो इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है सो so, स्टार्ट तो देखिए ये कुछ एग्ज़ाम्स है जो मैंने इधर नोट आपके लिए करके रखा है इन सब एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है और बाकी तो आपको पता ही है बाकी जितने रेगुलेटरी बॉडीज़ और दूसरे भी एग्ज़ाम्स है सिर्फ आर नहीं बाकी भी दूसरे एग्जाम्स जो है सभी बी ना बड हर जगह इंग्लिश पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव होता है बाकी सबसे जो मेजर बैंक के एग्जाम्स है एस और आई उनके तो हर एग्जाम्स में इंग्लिश प्री और मेन्स में होता ही है तो ये कुछ एग्ज़ाम्स है जिनमें इंग्लिश एक मेजर सेक्शन है हमेशा स्टार्ट करने से पहले सिलेबस पे ध्यान दीजिए तो सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है आरसी होता है और मैं बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट यही है मैंने नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट स्लाइड्स में बताया आपको ये भी बताऊँगा मैं कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है तो आप उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो तो सबसे ज़्यादा आरसी से ही आता है अराउंड सेवन टू टेन क्वेश्चन रहते हैं प्री में आरसी से क्लोज टेस्ट के अराउंड फाइव क्वेश्चन रहते हैं अगर क्वेश्चन रहा तो क्लोज टेस्ट का फिलअप्स और क्लोज टेस्ट एक ही जैसा समझिए पैराजंबल्स कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है बट जब भी आता है तो मिनिमम फाइव क्वेश्चन तो आते ही है पैराजंबल्स के सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कभी आता है कभी नहीं आता है वैसे है. ये हमेशा ही आता है ऑलमोस्ट थ्री टू फाइव क्वेश्चनस हमेशा ही या तो आपको करेक्ट स्पॉट करने बोलेंगे या तो एरर स्पॉट करने बोलेंगे मोस्टली एरर स्पॉट करने ही बोलते हैं और तीन से पाँच क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है वर्ड रीअरेंजमेंट ईजी होता है ये दो से चार क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी पाँच भी आ जाता है अगर पेपर ईजी हुआ तो सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग एक ही मानिए सेंटेंस कनेक्टर्स आते हैं कभी कभी वोकेबुलरी से नॉनीम एंटानियम्स आते हैं ये ज़्यादातर मोस्टली आर में ही होता है ये दो दो से तीन क्वेश्चन रहते हैं पूरे पेपर में कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं तो ये भी ध्यान देने वाली टॉपिक है एडियम्स फ्रेजेस कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते एस में ज़्यादातर मैंने देखा है कि आता है ऑड वन आउट होता है रीडिंग एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टोन थीम या इन्फ्रेंसेस पूछते हैं ये मोस्टली मेंस में आता है अदरवाइज़ तो ये ऐसे पूछते नहीं है प्री में कभी कभार पूछ दिया तो अगर आपको आता है आपने प्रैक्टिस किया तभी ये अटैम्प्ट कीजिएगा अदरवाइज अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा बाकी ये जो ये टॉपिक्स है ये डिस्क्रिप्टिव का है तो ये प्री के लिए तो आपको करने का ज़रूरत नहीं है फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको सो प्रीवियस ईयर के टॉपिक का वेटेज लेके आया हूँ मैं आपके लिए तो आप देख सकते हैं मैं ये क्यों लेके आया हूँ ये आपको ये बताने के लिए लेके आया हूँ कि कौन से टॉपिक्स विच टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर थरली मतलब ये टॉपिक्स आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर, करने में, जहाँ स्टार मार्क करूँगा, तो वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो देखिए दस क्वेश्चन आउट ऑफ थर्टी, सात क्वेश्चन आउट ऑफ थर्टी सात क्वेश्चन आउट ऑफ थर्टी मतलब आप क्या समझ रहे हैं इससे कि री आर सी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप स्किप नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस करना ही है आर सी बिल्कुल ही प्रैक्टिस करना है आर सी बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते बहुत ज़्यादा वेटेज है आर सी का हर पेपर में देख सकते हैं पी ओ ट्वेंटी 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 वन काफ़ी शिफ्ट होते हैं मैंने नॉर्मल शिफ्ट के ले लिए हैं कुछ भी आ, कोई शिफ्ट के रैंडम और ये मैं बनाए हैं आपके लिए कि आपको एक आइडिया मिले कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं तो आप देख सकते हो वेटेज बहुत हाई आई आर का उसके बाद क्लोजे टेस्ट देखिए ऑलमोस्ट आजकल हर पेपर में आ रहा है ये भी बहुत हाई है काफ़ी क्वेश्चन है ये ये दोनों मिला के बारह से पंद्रह क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो ये दोनों मिला के बारह से पंद्रह क्वेश्चनस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोज टेस्ट आपसे तभी बनेगा जब आपका वो अच्छा होगा तो आपको वो पूरा अच्छा करना है अपना फिर देखिए एरर डिटेक्शन पाँच तीन पाँच काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सात चार ये देखिए सोलह सात पाँच बारह पंद्रह पंद्रह बीस पंद्रह से बीस क्वेश्चन थर्टी में पंद्रह से बीस क्वेश्चन यही तीनों में कवर हो जा रहे हैं रीड आर सी टेस्ट और एरर डिटेक्शन तो ये तीनों ये तीनों टॉपिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा स्कोर करने से इंग्लिश में बाकी फिर थोड़े रैंडम हो जाते हैं मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते वर्ड रिप्लेसमेंट जैसे आप देखेंगे इधर नहीं आए बस एक जगह पाँच मार्क का आया ईजी होता है वर्ड रिप्लेसमेंट जबकि आप ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो इसमें भी देखिए एक जगह नहीं आया एक जगह आया वैसा होता है फिलर्स सिंगल कभी आए नहीं आए तो एक जगह आया एक जगह नहीं आया तो प्रैक्टिस तो सब सभी करना है बट शुरू के जो तीन है ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये रेगुलरली पूछा जाता है एक साल भी ऐसा नहीं होता कि मिस होता है तो आप समझ सकते हो इसका वैल्यू वर्ड स्वैप फिर आता है ये भी इजी होता है मैं बोलूँगा ये सब पहले अटैम्प्ट करना है मैंने एंड में सीक्वेंस भी बताया आपको कैसे अटैम्प्ट करना है तो ये हुआ एक वेटेज ये आई और आई बी पी और क्लर्क का था अभी एस का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ सो आर में आठ वही सेम वेटेज है थर्टी मार्क्स में इतना इतना पूछा ही जाता है क्लोज़ टेस्ट हुआ इधर क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया था फिर एरर डिटेक्शन आया देखिए वापस से इतने क्वेश्चंस तो अभी भी एस में भी बोलें तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये तो आपको करना ही है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये ठीक है इसके बाद में आपके बताऊंगा प्रैक्टिस कहाँ से करना है सोर्सेज बताऊंगा मैं और कैसे करना है कंसिस्टेंटली तो आपको आइडिया मिल गया होगा टॉपिक का कि कौन से टॉपिक से कितना पूछते हैं और कौन सा आपको पहले करना है तो ये तो तीनों आपको पहले ही करना है बाकी फिर फिलर्स जो नॉर्मल आते हैं ये सब इजी है तो ये आप कर सकते हो रीअरेंजमेंट आता है रीअरेंजमेंट भी इजी होता है मैं बोलूँगा ये आप ऑप्शन से कर दो ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर दो इट इज़ नॉट दैट टफ और एडियम्स ऑफ फ्रेजेज जो मैंने बोला था मोस्टली कभी एस बी आई में दिख जाता है क्वेश्चन ये सब सो so, ये एक टॉपिक्स हुए जिस टॉपिक से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन इन प्रिलियम्स तो अभी अभी देखिए आप कंसिस्टेंटली आपको क्या, क्या 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 करना है रीड अगर आपका रीडिंग वीक है या आप हिंदी मीडियम से थे तो आपका रीडिंग स्पीड स्लो होगा या वीक होगा कंपेयर इन कंपैरिजन टू अदर्स तो आप पीछे हो जाओगे तो आपको रीड एवरी डे करना है इवन इफ आप अगर इंग्लिश मीडियम से और आप रीड नहीं करते तो आपको रीड एवरीडे करना ही है एडिटोरियल्स पढ़ने हैं ये आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देख सकते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा दिखा दूंगा अभी या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या कुछ और भी आपको जो पसंद हो वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से ऐसा नहीं पढ़ना है आपको कुछ मतलब पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मीनिंग सर्च करो नोट डाउन करो और याद करो उसको क्योंकि वो कैबुलरी बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अगर वोकेबुलरी आ जाएगा तो आपका इंग्लिश का मोर देन सेवेंटी परसेंट स्कोर आप ऐसे ही कर लोगे इंग्लिश में बाकी आर सी बचेगा जिससे जो रीडिंग से आपका अच्छा हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है जो भी आपका नया वर्ड मिलता है वो आप नोट करो हर दिन कहीं और रिवाइज करो एवरी डे जब आप सोने जाते हो उससे पहले या एक दिन सिर्फ रिविजन करे रखो इंग्गलिश का जो भी नए वर्ड्स आपको मिले नहीं तो आप भूल जाओगे वो वर्ड्स अभी देखिए अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको अगर मैं गुड बोलता हूँ तो आपको कैसे पता इसका मतलब अच्छा होता है आपको कैसे पता बैड का मतलब गंदा होता है या खराब होता है या आपको कैसे पता है बिकॉज ये वर्ड्स आप बचपन से सुनते आ रहे हो आपने बचपन से देखा है याद किया है आपने यूज़ किया है इसके लिए आपको ये वर्ड्स का मीनिंग याद हो चुका है कोई बोलेगा तो नहीं आपको याद है ये सब तो ये सब भी अगर आप नए जो वर्ड्स देखते हो वो आपको याद कैसे होगा अगर आप उसको बार बार देखोगे रिवाइज करोगे तो वो सब आपको याद हो जाएगा और ये हेल्प करेगा ऐसे ही वो कैबुलरी बिल्ड होता है और देखिए मैं एडिटोरियल्स आपको बताता हूँ तो देखिए अगर आप डेली एडिटोरियल देखोगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट एडिटोरियल का एवरी डे आता है एवरी डे तो जिनका वीक है मैं बोलूंगा आप एडिटोरियल्स प्रैक्टिस कीजिए वो कैब और ग्रामर भी इधर टीचर्स बता देते हैं या आप प्रैक्टिस कीजिए मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं आप दूसरे क्लासेस के भी फॉलो कर सकते हैं काफ़ी क्लासेस हैं अड्डा और दूसरे क्लासेस भी जो ये चीज़ बाईजूस जो एडिटोरियल्स करवाते हैं मैं स्पेसिफिकली बोर्ड को फॉलो करता था फॉर एवरी थिंग फॉर प्रैक्टिस और मैंने यूट्यूब से ही किया है मोस्टली बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ और क्या क्या है सो so, ये एक चीज़ हो गया फिर देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बस पढ़ाई से होता नहीं है तो जब आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत और जो भी ग्रामर का रूल पढ़ा आपने नीदर नॉर के बाद क्या आता है ईदर और के बाद क्या आता है फिर अगर आपने वर्ब अग्रीमेंट अगर पढ़ा तो अग्रीमेंट आपने पढ़ तो लिया बट ये आपको आएगा कैसे जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपने बहुत सारा कुछ कुछ देखा होगा मैन एन अ मैन या मैनी अ मैन ऐसा कुछ रहता है तो इसके बाद क्या आता है इसके बाद क्या आता है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर आता है तो इज़ आएगा आर नहीं आएगा तो ये सब कैसे पता चलता है ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलते हैं तो एग्जाम्पल्स भी आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो मैं प्ले जो है उसका लिंक डिस्क्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप देख सकते हो जाके तो प्रैक्टिस करो बहुत सारे एग्जांपल्स सेक्शनल्स दो फ्री ऑनलाइन क्विजेज दो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको प्लेटफॉर्म्स आपने जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ लिया होगा उस पर सेक्शनल्स मिल जाएगा आपको और टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं तो वो सब खत्म कर दो दे दे के जितने भी एग्जाम्स हैं बैंकिंग के जैसे छः एग्जाम्स हैं तो आप सब के लिए दे दो जितने भी आपको मिल रहे हैं सब प्रैक्टिस करो सेक्शनल्स ख़त्म कर दो जितने भी है मैंने सब ख़त्म कर दिए थे तो आपको भी ये करना है बाकी फिर आप मॉक्स पे मॉक पेपर्स जब सॉल्व करते हो तो इंग्लिश का पार्ट अच्छे से पूरा थरली आपको एनालाइज करना है कुछ छूटे नहीं और सीखना है जो भी गलती हुआ है उससे और वो नोट करना है जैसे आपने एरर डिटेक्शन में कुछ गलत किया हो तो आपको नोट करना है और मेन फिर वही बात आता है कि रिवाइज़ करना है अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो देखिए एडिटोरियल्स तो रीडिंग के लिए हो गया ये क्या है अभी जिसको बेसिक से पढ़ना है जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है इंग्लिश का तो वो ये सब वीडियोज़ देख सकता है इसमें पूरा बेसिक से बताया गया है पूरा कवर कर रहा है ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहा है तो ये आप देख लीजिए सीख लीजिए उसके बाद आप अगर इस पर आइएगा तो इसमें प्रिपरेशन पूरा जितना भी प्रिपेयर किया आपने उसका प्रैक्टिस करवाया हुआ है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो मैं ये सब करने के बाद मैं मॉक्स प्रैक्टिस करता था ये मॉक्स भी डालते हैं एवरी डे का जैसे ये देखिए इन्होंने मॉक्स डाला हुआ है इतना सारा इतने डेज का मॉक्स दिया हुआ है तो आप इसमें एवरी डे ये लोग कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे अच्छे से और टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप पॉज पहले तो आप ख़ुद ट्राई कीजिए पॉज करके आपको नहीं आ रहा है तो आप टीचर्स का एक्सप्लेनेशन सुनिए तो आपको ऐसे याद हो जाएगा तो ये देखिए इतने सारे वीडियोज़ होते हैं रिविजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए तो ये पूरा कवर कीजिए मैं ये सब प्लेलिस्ट के डाल दूंगा तो मैं ये सब लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट के जितने हैं तो आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी सेक्शनल्स तो आपको देना ही है सेक्शनल्स आपसे छूटना नहीं चाहिए सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस अब एग्ज़ाम और मॉक में कौन सा सीक्वेंस कैसा फॉलो करें तो देखिए पहले तो आप फिलिंदा ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट अगर है पेपर में तो वो कर दो क्योंकि इट टेक्स लेस टाइम पांच क्वेश्चन रहते हैं एंड इट टेक्स लेस टाइम टू सॉल्व इट ठीक है तो पहले ये करना है फिर तो पहले ये करना है फिर जो भी वो कैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं जैसे मैच द कॉलम हो गया एरर स्पॉटिंग हो गया वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया वर्ड स्वैप हो गया तो ये सब आपको उसके बाद कर देने हैं तो वो कैबुलरी बेस्ड भी आप कर दोगे तो आपके काफी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो एंड में जो भी देखिए आर जो है वो जनरली टाइम उसमें सात से नौ मिनट मैक्स आप इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते एग्ज़ाम में तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो आरसी, तो ध्यान रखो कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो आप जंबल्स जो है उसमें भी आप तीन से चार मिनट से ज़्यादा एक्चुअली नहीं दे सकते क्योंकि आपका फिर दूसरा मिस हो जाएगा आप देख नहीं पाओगे या कुछ वैसा हो जाएगा मैक्स तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइम देख के करना फ्री के लिए इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कम टाइम लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है और एंड ऑल्सो आर आप स्मार्ट कीड़ा के वेबसाइट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो स्मार्ट कीड़ा पे अच्छे लेवल के फ्री आर सीज़ हर एग्ज़ाम के लिए गुड लेवल फ्री आर मैंने पहले भी कवर किया है काफ़ी वीडियोस में तो आप स्मार्ट कीड़ा के वेबसाइट पे भी जाके आर प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे लेवल के आर होते हैं इजी नहीं होते मतलब मोस्टली एग्जाम में तो थोड़ा नॉर्मल ही आता है ये थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं अगर आपको ज़्यादा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप थोड़ा गुड लेवल मॉडरेट लेवल का भी आर सॉल्व कर सकते हो स्मार्ट कीड़ा पर जाके तो ये शुरू में नहीं करना है क्या होता है अगर आप आर हार्ड आया है पेपर में तो आपको क्या पता नहीं रहेगा आपने अटैम्प्ट किया और आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे तो अब पाँच मिनट हो गया है और आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन आरसी का बना है तो क्या होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा कि आप पाँच मिनट आपने डाल दिया और आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन है तो आप पीछे हो जाओगे इसलिए पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चन देखने और करने आर सीज उसके बाद आप आओ आर सीज पर आओ और स्किम करो रीड कभी पूरा पैसेज रीड मत करो आर सी का जो भी क्वेश्चन दिया है उसका कीवर्ड्स होता है वो कीवर्ड सीधा ढूंढना चालू कर दो आर सी में क्वेश्चन का जो भी कीवर्ड है आंसर ऑप्शन का जो भी कीवर्ड है वो आर सी में ढूंढना स्टार्ट कर दो और उसके हिसाब से आप मार्क कर दो तो डैट इज़ अ फास्टर वे टू डू द आर कभी भी आप पूरा रीड करोगे पैसेज फिर करोगे तो डैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और मैं वो एडवाइज़ नहीं करता हूँ बाकी भी कोई एडवाइज़ नहीं करेगा सो यू डोंट नीड टू रीड द होल पैसेज एटलीस्ट प्री में जब तक कोई इन्फ्रेंस और वैसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो आपको पैसेज रीड करने का पूरा ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो आरसी को कीवर्ड्स करके और फिर लास्ट में आप जंबल्स कर सकते हो क्योंकि जब थोड़ा ही टाइम बचेगा आपका बाकी कवर हो चुका होगा तो आप पैराजल्स पे अच्छे से टाइम डाल सकते हो और पैराजल्स का एक पैटर्न होता है वो आप प्रैक्टिस कर करके समझ जाओगे पहले क्या आ सकता है लास्ट में क्या आ सकता है सेंटेंस और बीच में कैसे फॉलो हो सकते हैं सेंटेंसेज वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा सो दिस इज़ इट अबाउट इंग्लिश आपको अगर कुछ भी डाउट होता है इसके अलावा इंग्लिश के लिए तो आप कमेंट में मुझे पूछ पूछ सकते हो एंड कीप प्रिपेयरिंग अभी एल आई सी ए आ रहा है Uh, मेरा अभी थर्टीनथ को इंटरव्यू है आई का उसके बाद मैं देखता हूँ एक एक दिन मैं आपको बता दूंगा उसमें भी आप कैसे प्रैक्टिस करके अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर को एक अच्छे वे में सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट